हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुप्रीम स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, सुप्रीम स्टडी पॉइंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर से हम सामान्य विज्ञान का सेट नंबर 4 लेकर आए हैं, जो कि सेट 1, 2, 3 बाकी नीचे का सभी सेट आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। नीचे जाकर, वीडियो के नीचे जाकर एक बार जरूर देखें और वहाँ से सेट 1 से देखने का प्रयास करें। तो यहाँ जो हम लोग बताएंगे, विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में सामान्य विज्ञान से संबंधित पूछे गए प्रश्नों का अभ्यास सेट, आंसर एंड डिस्क्रिप्शन के सहित सामान्य विज्ञान सेट संख्या ये 4 है। इससे पहले 1, 2, 3 जैसा कि बता दिए हैं, और इसमें हम प्रत्येक सेट में 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं, जो कि रेलवे, SSC, MTS, DRDO में पूछा गया प्रश्न है। ये सभी विभिन्न प्रतियोगिताओं में पूछा गया प्रश्न। चलते हैं बिना टाइम पास किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं और देखते हैं। सेट 4 का क्वेश्चन नंबर 1 है कि सरल आवर्त गति में त्वरण समानुपाती होता है, किसका, वेग का या विस्थापन का। तो विस्थापन का। सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह। अगर लाल ग्रह पूछा जाएगा तो कौन होगा बताइए, लाल ग्रह अगर पूछा जाएगा तो मंगल होगा, है ना, और गर्म ग्रह पूछ रहा है तो शुक्र होगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में गलत मिलाना को छाटिए, गलत मिलान जो है उसको छाटना है। तो गलत मिलान आपको देखना है, गुणित अनुपात का जो नियम दिया डाल्टन सही है, स्थिर अनुपात का नियम जो दिया वो प्राउट ने दिया, और आंशिक दाब का नियम डाल्टन ने दिया, और पीएच स्केल का नियम है पियर्सन लिखा हुआ, क्या पियर्सन ने दिया, नहीं, पीएच स्केल का नियम फंक ने दिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग के प्रकाश का तरंग दर्ज अधिकतम होता है, स्पेक्ट्रम में किस रंग के प्रकाश का तरंग दर्ज अधिकतम होता है, तो लाल का। लाल ग्रंथियों के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम उत्पादित होता है, तो टाइलिन होगा। क्वेश्चन नंबर 6, यदि साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो यह क्या होता है, यह सिकुड़ता है या फैलता है, यह फैलता है। क्वेश्चन नंबर 7, किसी बर्तन में पारे की एक बूंद का अवचंद्रक कैसा होगा, उत्तल होगा। तारे का रंग सूचक है उसके ताप का। क्वेश्चन नंबर 9, चांदी क्या है, चांदी एक विद्युत का सुचालक है, ठीक ना, सबसे ज़्यादा विद्युत का सुचालक यही होता है, चांदी होता है। अगर चांदी मिल जाए ना भाई, तो चांदी से ही बिजली जलाइएगा तो बहुत जल्दी जलेगा, समझे ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 है कि बिजली घर से सप्लाई की जाने वाली वोल्टेज को स्थिर करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है, तो ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है, उच्च वोल्टेज से निम्न वोल्टेज में कन्वर्ट करके फिर आपके घरों तक, ऑफिसों तक पहुंचाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 पर, 11, निम्न में से किस जगह स्मॉल जी का मान सर्वाधिक होता है, तो सर्वाधिक जो होता है स्मॉल जी का मान अंटार्कटिका में किसी स्थान पर स्मॉल जी का मान सर्वाधिक होता है। यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर से नीचे फेंका जाए, है ना, तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, तो गुरुत्वीय त्वरण जो होगा वो गेंद के गति के विपरीत दिशा में होगा। क्वेश्चन नंबर 13, सोडा वाटर क्या है, सोडा वाटर एक विलयन है, जल एवं अल्कोहल क्या है, तो पूर्णतः मिश्रणीय पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर 15, नमक किस खनिज से उत्पन्न होता है, तो नमक हैलाइट से उत्पन्न होता है। जब इस्पात को सुर्ख लाल गर्म किया जाता है एवं धीरे धीरे ठंडा किया जाता है, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो यह प्रक्रिया अनिलन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा उर्वरक तनु सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अमोनिया गैस संसावित करने को तैयार किया जाता है, बेसिक कैल्शियम नाइट्रेट। क्वेश्चन नंबर 18, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर उदासीन विलयन का पीएच मान कितना है, तो 7.0। क्वेश्चन नंबर 19, कि निम्न में से कौन अमोनियम कार्बोनेट को सही रूप से दर्शाता है, तो NH4 का हॉल 2 और CO3। क्वेश्चन नंबर 20, आवर्त सारणी में निम्न में से किसकी शून्य इलेक्ट्रॉन बंधुता है, तो रेडॉन की। अब क्वेश्चन नंबर 21 है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी की अपेक्षा समान तापमान पर भाप से अधिक गंभीर जलन होती है, क्योंकि भाप अधिक ऊष्मा प्रदान कर सकती है।
उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22 कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक उत्तल दर्पण से 5 मीटर की एक दूरी पर एक वस्तु है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, 9.8 सेंटीमीटर दूरी पर। क्वेश्चन नंबर 23 है निम्नलिखित में कौन मेल नहीं है, तो बकरा, गाय और हेल में मछली जो है वो मेल नहीं है। एक सामान्य मनुष्य का तापमान कितना होता है, 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 25 इंद्रधनुष में लाल रंग किस क्रम में होता है, तो लाल रंग अंतिम क्रम में होता है, वहीं बैंगनी रंग अगर पूछा जाए तो शुरुआत क्रम में होता है। किस वर्ष में सर्वप्रथम यूरी गागरिन ने अंतरिक्ष यात्रा की, तो 1991 में। क्वेश्चन नंबर 27 कि मनुष्य श्वसन क्रिया में वायु के कौन सा घटक परिवर्तित नहीं होती है, श्वसन क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड परिवर्तित होती है, ऑक्सीजन होती है, जलवाष्प होती है, लेकिन नाइट्रोजन परिवर्तित नहीं होती है। शब्द इंद्र किससे संबंधित है, तो शब्द इंद्र जो है वो रडार से संबंधित है। बिजली के की स्त्री में लगाए गए तापमान एलिमेंटों के निर्माण के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त द्रव चालित ब्रेक किसका प्रत्यक्ष अनुप्रयोग है, पास्कल के नियम का अनुप्रयोग है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि कॉलेरा बैसिलिस की खोज किसने की थी, कॉलेरा बैसिलिस की खोज रॉबर्ट कोच ने किया। कठोर जल के धात्विक घटक कौन से हैं, तो धात्विक कठोर जल के धात्विक घटक मैग्नीशियम और कैल्शियम है। क्वेश्चन नंबर 33 निम्नलिखित में से किस प्राणी का जीवन अवधि सबसे लंबी है, सबसे लंबी अवधि जो होता है वो कछुआ का होता है। कौन सा प्राणी सबसे बड़ा बच्चा पैदा करता है, तो यहाँ ऊँट भी बड़ा जानवर है, सिंह भी है, नीली बेल भी है, लेकिन हाथी जो है यह सबसे बड़ा बच्चा पैदा करता है। क्वेश्चन नंबर 35 दिल के दौरे का कारण क्या है, दिल के दौरे का कारण स्वयं हृदय को रक्त की आपूर्ति का अभाव है। क्वेश्चन नंबर 36 किस अंग में वर्णक विशेष के आधार पर किसी व्यक्ति की आंखें भूरी, नीली या काली दिखती है, तो परितारिका आयरिस के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 37 प्रथम आधुनिक मोटर कार का निर्माण किसने किया था, प्रथम आधुनिक मोटर कार का निर्माण डेमलर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 38 समुद्र के ज्वार भाटा में कौन सी ऊर्जा भंडारित होती है, द्रव्य ऊर्जा या गतिज ऊर्जा, तो आंसर होगा गतिज ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 39 कि निम्नलिखित में से कौन सा तंतु सबसे कम आग पकड़ता है, तो रेयन। क्वेश्चन नंबर 40 कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व समुद्री शैवाल से प्राप्त किया जाता है, तो आयोडीन।